बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फहीम अब्बास व्लॉग्स ऑफ टाइम। एक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दरअसल मैंने वीडियो अपनी जो है वो अपलोड नहीं कर सका, क्योंकि मैं किसी वजह से अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं हो गया हूँ फ्री। और ये भाई अब्बास है मेरे साथ, इन्होंने भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अपना चैनल स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। नाम बताएं एडवांस में अपना। गुलाम अब्बास नाम है मेरा, और इंशाल्लाह मेरा चैनल अभी तो मैंने बना लिया, लेकिन उस पर कॉन्टेक्ट मैं शुरू नहीं कर पाया। चैनल का नाम बताएं। चैनल का नाम अब्बास 365 के नाम से। अब्बास 365 आपने सिर्फ और सिर्फ लाइक करना है, सब्सक्राइब नहीं करना, क्योंकि पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद भाई परेशान नहीं होना। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर। सही है। तो ये हमारे साथ एहसन भाई हैं। एहसन भाई फिलहाल अपना चैनल स्टार्ट नहीं करने वाले। निकल रहा था, मसला नहीं है। हाँ, कर लेंगे ये भी माशाल्लाह, सेहतमंद अट्टे कट्टे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अपना चैनल स्टार्ट करेंगे खाने पीने। अच्छा, तो इस वक्त मैं बैठा हूँ जनाब शारजा अल मजाज 3 में। ऑफिस आया था एक काम के साथ, अभी जा रहा हूँ वापस, तो सोचा रूम से आते हुए वीडियो स्टार्ट नहीं की, चलो वापसी पे कर लेते हैं। और अभी मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि वापस किस तरह जाएँगे हम, बस किस तरह लेंगे, कौन सी बस लेंगे। अगर आपने शारजा से अजमान जाना हो तो आप कौन सी बस इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको ये बताऊंगा। तो ठीक है, अब इंशाल्लाह नई वीडियो आती रहेंगी, कंटिन्यू रखेंगे अपने यूट्यूब चैनल को। आप और आपके साथ आप भी सपोर्ट करें। अब मुझे आपकी सपोर्ट की बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि पहले तो बंद कर दिया था आप सपोर्ट करते या ना करते, तो लेकिन अब शुरू कर दिया, इंशाल्लाह आप भी सपोर्ट करेंगे और चैनल अपना दोबारा शुरू करूँगा मैं। तो अभी ये देखें जनाब, आपको एक बैक कैमरा के साथ व्यू दिखाता हूँ, आप चेक करें, माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू है यहाँ पे। देखें ये जनाब अल मजाज 3 है, शारजा अल मजाज 3। शारजा का सबसे पॉश एरिया और अच्छा एरिया यही है। तो बाकी ये सामने जो है ये व्यू आप चेक करें। अब्बास भाई, ये कौन सी बिल्डिंग है सामने? सामने थिएटर बना हुआ है अल मजाज थिएटर है। हाँ, अल मजाज थिएटर के नाम से कोई बिल्डिंग है यहाँ पे, शायद ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ पे ये पैदल चलने के लिए साफ जो है ना, बहुत प्यारा व्यू है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। और ये पार्क, और मज़े की बात, अगर आप यहाँ पे आके बैठते हैं इस पार्क में तो आपको फ्री वाईफाई मिलेगा। ये जो सामने बिल्डिंग है ना सारी, इनका हर बिल्डिंग का वाईफाई फ्री है, आप आएँ बैठ के कनेक्ट करें और इन्जॉय करें। और अभी यहाँ से जो मेरा मैप शो कर रहा है ना, वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर पैदल शो कर रहा है। अल जुबैल बस स्टेशन शारजा जाके उसके बाद वहाँ से मुझे मिलेगी अजमान की बस, वो फिर जाएंगे अजमान, और आपको अजमान जाके अपनी रिहाइश बताऊँगा कहाँ पे रह रहा हूँ फ़िलहाल मैं। अजमान और शारजा का सफ़र मैक्सिमम जो 10-12 किलोमीटर है, लेकिन वहाँ जाने के लिए अजमान बस को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी आप मेरे पीछे देखें, बहुत प्यारा व्यू है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। वेरी गुड। ये मेरे साथ अब्बास भाई हैं, और इनको सेल्फी लेने का बहुत ज़्यादा शौक है, और ये ज़्यादातर सेल्फी लेते रहते हैं। यूट्यूब चैनल भी शुरू कर रहे हैं अपना, लेकिन देखो अब कब करते हैं, मेरी तरह ही शायद करेंगे। 6 माह के बाद एक वीडियो बना दी, उसके बाद फिर सो गया लंबी नींद, जब उठा फिर सोचा जनाब मुझे दोबारा शुरू करना चाहिए, फिर शुरू कर दिया। तो इस तरह करने से YouTube चैनल चलता तो नहीं है ना। बाकी अल्लाह खैर करे, आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं दोबारा से अपना चैनल जो है ना वो कंटिन्यू करूं, और उसके लिए मुझे आपके तावन की ज़रूरत होगी। आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को देखेंगे, तो इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। अभी आप फ़िलहाल अल मजाज का जो है ना व्यू चेक करें।
अच्छा जी, तकरीबन मुसलसल 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद अभी मैं पहुंच चुका हूं अल जुबैल बस स्टेशन शारजा। तो अल जुबैल से आपको पूरे यूएई के लिए कहीं पे भी आपको बस मिल सकती है। तो अभी मैं आपको बैक कैमरा के साथ दिखाता हूं अल जुबैल बस स्टेशन। ये जनाब जो आपको ये सामने नज़र आ रहा है ना, ये अल जुबैल बस स्टेशन है। सही है, ये मेरे भाई दोस्त वो आगे जा रहे हैं और मैं भी उनके पीछे बस जाने ही लगा हूँ फिलहाल। अभी मैं बैठ गया हूँ अल जुबैल बस स्टेशन पे आके 114 नंबर बस में। 114 नंबर बस जो है ये सीधी जाएगी अजमान की तरफ। अजमान जो मेरी डिस्टिनेशन है वो है अल नईमिया 1। तो अल नईमिया 1 में इसका स्टॉप होगा क्राउन पैलेस। क्राउन पैलेस से थोड़ा सा तकरीबन आगे है 1.5-2 किलोमीटर पैदल, वो करना पड़ेगा। और अभी निकलने लगे हैं हम अल जुबैल से अजमान की तरफ।